बिस्किट बाजार में तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो हेल्दी बिस्किट हम घर पे बना सकते हैं वो बाजार में मिल जाएंगे क्या? तो आज मैं इसी के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ आटे के हेल्दी बिस्किट, जिसे आप कुकर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुकर में हेल्दी बिस्किट बनाना ही लेकर आई हूँ। तो आइए हम अपने बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने हाफ बाउल घी लिया है, और हमें एकदम मेल्टेड घी नहीं चाहिए होता है, जैसे कि ये थोड़ा हल्का जमा हुआ घी है, इस टाइप का घी ही हमें लेना होता है। ये हमने लिया है, इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें हम हाफ बाउल पिसी हुई शक्कर डाल देते हैं। और पिसी हुई शक्कर डालने के बाद इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि ताकि इनमें हमारा बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लम्स ना रह जाए, बिल्कुल अच्छे से हमारा ये मिक्स होकर आए। चलाते जाते हैं और इसे मिक्स करते जाते, एकदम स्मूथ पेस्ट अपना जो है तैयार कर लेते हैं। इसमें अब हम एक बाउल बेसन डाल देते हैं और एक बाउल ही आटा हमने डाल दिया है इसमें। और इसमें अब हम 2 टेबलस्पून सूजी डाल देते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, बहुत हल्का सा डालते हैं, मतलब 1/4 टेबलस्पून नमक ही डालते हैं बस। और इलायची पाउडर डाल देते हैं 1/2 टेबलस्पून अप्रॉक्स, क्योंकि इलायची पाउडर की खुशबू में और टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिस्किट में। अब इन सबको हम हाथों की मदद से ही मिक्स करते हुए इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार करते हैं। हमें इसका आटा एकदम कर्रा, मतलब कि एकदम टाइट गूंथ कर तैयार करना होता है। हल्का सा ही पानी डालिए, नहीं तो आप बिना पानी के भी इसे गूंथ लेंगे। और अच्छे से इसे मला के हम इसे ढककर रख देते हैं। बाद में आप देखेंगे कि इसने घी अपने आप ही छोड़ देगा, कितना अच्छा आटा जो है वो गूंथ कर तैयार हो जाएगा। अब इधर हम देखेंगे, इधर हमने कुकर गैस पे रखा है, ये हमारा जो नमक है हमने पूरे कुकर में नीचे वो बिछा दिया, मेरा यूज नमक है, मैंने पहले केक बनाया था उसके लिए यूज किया था, तो उसी को नमक को मैं दोबारा यूज कर रही हूँ। और अब हम कुकर ढक्कन लगाते हैं, लेकिन कुकर का ढक्कन हम रबड़ निकाल के लगाते हैं, जो कुकर की रबड़ होती है ढक्कन की वो हम निकाल के लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा आटा जो हमने गूंथ के रखा था, इसने घी छोड़ दिया है, इसे एक बार मल लेते हैं। अब हम इसमें से छोटा छोटा पार्ट लेते हैं और इसे गोल करते जाते हैं और प्रेस करते हुए इसके बिस्किट बना के तैयार करते हैं। आप चाहें तो किसी और शेप के भी बिस्किट बना सकते हैं, बट नॉर्मल गोल शेप के इस टाइप के बिस्किट अच्छे लगते हैं। और इस पे हम हल्के से ड्राई फ्रूट से ऊपर लगा देते हैं, हल्का डेकोरेट सा कर देते हैं, इससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइप से हम अभी सारे जो है बिल्कुल तैयार कर लेंगे। कुकर रखते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें कुकर की जो ढक्कन की जो रबड़ होती है वो निकाल के ही उसे ढकना होता है। और कुकर पे अच्छे से हम नीचे बिल्कुल नमक बिछा देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं। ये हमने देखिए सारे बिस्किट इस तरीके से हमने तैयार कर लिए। अब हमने ये जो इडली का स्टैंड होता है एक वो लिया है, छोटा स्टैंड लिया है जो कुकर में हमारे इजीली आ जाए। इस पे हम एक एक उस पे पार्ट पे एक एक बिस्किट हम रखते जाते हैं और इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे ले जाके उधर नमक जो है वो भी गर्म हो जाएगा, स्टैंड को अच्छे से पहले बंद कर लेते हैं और तब तक इतनी देर में हमारा नमक भी है वो गर्म हो जाएगा, फिर हम स्टैंड को ले जाके उसमें रखेंगे अभी। और आप चाहे आप कोशिश करें कि आटा बिना पानी के ही गूंथें, और ये भी याद रखें कि आप अब थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही घी अलग हो जाए, थोड़ा सा इसमें बाहर आने लग जाएगा, मतलब आटे में से आपको दिखाई देगा, आपके हाथ चिकने होने लग जाएंगे, फिर उसे मल के आप बिस्किट बनाइए, बहुत अच्छे बिस्किट बनेंगे। और अगर नहीं लगता है कि आपको भी घी कम है तो आप उसके थोड़ी देर बाद घी थोड़ा सा डाल के उसे मल के फिर भी बना सकते हैं दोबारा से बिस्किट, ऐसा भी कर सकते हैं। इधर हमारा ये है, इसे हम ढककर अच्छे से लगा देते हैं, ढक्कन को भी लगा देते हैं कुकर के ढक्कन को, और मीडियम गैस पे इसे लगभग 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। फिर हम 10 मिनट बाद देखेंगे, ये देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमने गैस बंद कर दी थी 10 मिनट बाद और फिर कुकर खोल के देखा हमने, देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल बन के तैयार है, कितने अच्छे क्रिस्पी बिस्किट बन के तैयार हुए हैं, कितने बढ़िया बिस्किट लग रहे हैं। और इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे प्लेट में निकालते जाते हैं इन बिस्किट को, ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट बन के आए हैं। इस तरीके से हम सारे बिस्किट तैयार कर लेते हैं और ये देखिए हमारे कितने बढ़िया आटे के बिस्किट, जो कि हेल्दी भी है क्योंकि हमें पता है हमने कोई भी इसमें एसेंस या मिश्रण नहीं डाला है, तो ये बिल्कुल प्योर है, ये हमारे बिल्कुल बनके तैयार है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उसके पास आता है एक बेल आइकन उसे भी कर दीजिएगा प्रेस, ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास आ सके। बाय बाय।